देश के 18वें लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने आ गए हैं। भारतीय चुनाव आयोग के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली एनडीए बहुमत का आंकड़ा पार कर रही है। हालांकि इस बार कोई भी पार्टी बहुमत का आंकड़ा 273 सीटें नहीं जीत पाई है। 583 लोकसभा सीटों में से कई सीटों पर दिग्गज उम्मीदवारों की हार हुई है। 5 सीट तो ऐसे हैं जिस पर फिल्मी सितारों से लेकर दिग्गज नेता चुनावी मैदान में थे, लेकिन वे हार गए। उनकी हार की उम्मीद लोगों को बहुत कम थी। एग्जिट पोल में भी इन सीटों पर दिग्गज उम्मीदवारों के जीतने की भविष्यवाणी की गई थी। आइए जानें वो कौन सी 5 ऐसी सीट है जहां बड़े चेहरों की बड़ी हार हुई है। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर सीट से भाजपा उम्मीदवार मेनका गांधी 43,000 वोटों से हार गई हैं। वहीं इस सीट पर सपा उम्मीदवार राम भुआल निषाद जीते हैं। बिहार की काराकाट लोकसभा सीट से भोजपुरी स्टार पवन सिंह 1,00,000 से ज्यादा वोटों से हारे हैं। इस सीट पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार राजा राम सिंह जीते हैं। महाराष्ट्र के अमरावती सीट से भाजपा उम्मीदवार नवनीत रवि राणा 19,000 वोटों से हार गई हैं। अमरावती सीट से कांग्रेस नेता बसवंत वानखेड़े जीते हैं। जम्मू और कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार उमर अब्दुल्ला 2,00,000 वोटों से हार गए हैं। इस सीट से निर्दलीय उम्मीदवार अब्दुल रसीद शेख जीते हैं। उत्तर प्रदेश की आजमगढ़ सीट से भाजपा के उम्मीदवार दिनेश लाल यादव निरहुआ 1,61,000 वोटों से हार गए हैं। इस सीट से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार धर्मेंद्र यादव जीते हैं।